दीपावली के पहले खरीदी का शुभ मुहूर्त माने जाने वाला पुष्य नक्षत्र इस बार दो दिन का होने के सराफा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल और बर्तन सहित सभी तरह की दुकानें सजी है। शनि और रवि पुष्य नक्षत्र का संयोग होने से व्यापारियों को अच्छे व्यापार की उम्मीद है। हालांकि शनिवार को शनि पुष्य नक्षत्र पर व्यापारियों के मुताबिक गत वर्ष के मुकाबले ग्रह की आम दिनों की तरह ही रही। ऑटोमोबाइल सहित सराफा व इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों में सामान्य ग्राहकी रही। आज पुष्य नक्षत्र होने के कारण ऑटोमोबाइल्स इलेक्ट्रॉनिक्स सराफा बर्तन व्यवसायियों को अच्छी खासी बिक्री की उम्मीद थी, मगर बाजार में उम्मीद के मुताबिक रौनक कम रही। कपड़ा व्यवसायी राधा कृष्ण महाजन ने बताया कि पुष्य नक्षत्र को देखते हुए बाजार ग्राहकों के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि शनिवार को ग्राहकी कमजोर रही, लेकिन आगामी दिनों में व्यापार बढ़ने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। नक्षत्र जरूर है भाई, आज बाजार में इतनी रौनक नहीं लग रही है जितनी कल थी। कल नहीं पुष्प नक्षत्र था तो भी कल का बाजार बहुत बढ़िया रहा। बाकी आज पुष्य नक्षत्र होते हुए भी और आज बाजार थोड़ा ठंडा है, हो सकता है शाम तक गिराकी अच्छी निकल जाए। इस बार दो दिन का पुष्य नक्षत्र, आगे दिवाली भी है, किसी की तैयारी व्यापार नहीं? तैयार व्यापारी तो भाई तैयारी करके बैठते है ना, सब माल वगैरह सब लेके बिल्कुल बैठे हुए है और गिराकी चलेगी ऐसी कोई बात नहीं है। सब ये तो जरूरत की चीजें है, सब त्योहार आते हैं और सब अच्छे बढ़िया बनते हैं। आगे उम्मीद है? हाँ आगे बिल्कुल उम्मीद है, नहीं तो उसके बल पे तो हम भी है। हाँ उसके बल पे तो हम भी है, गिराकी के बल पे, और गिराकी चलेगी ऐसी कोई बात नहीं है। ताकि आज कुछ कारण होगा ऐसा या शाम को भी बढ़िया हो जाए। साल की तरह नहीं, अच्छा रहा, बढ़िया रहा, गए साल से अच्छा रहा। क्या नाम है आपका? राधा कृष्ण महाजन, कनेक्ट पीस, खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।